नमस्कार, सुबह सवेर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई दिग्गजों से की मुलाकात। संघ कार्यालय समिधा समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम उमा भारती के निवास पहुंचकर की मुलाकात। सिंधिया समर्थक मंत्री और पूर्व मंत्री भी रहे साथ। हार के बाद फूटा बीजेपी प्रत्याशी रहे रघुराज कंसाना का गुस्सा। सेकेंड लाइन के नेताओं पर लगाया भितरघात का आरोप। पार्टी से की कार्रवाई की मांग। एक्शन नहीं होने पर दी नतीजा भुगतने की चेतावनी। बीजेपी कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। विचारधारा और कार्यप्रणाली समझाई। इंदौर के मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाने का विरोध। शहर में 12 जगहों पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। बीजेपी नेता सिंधिया का पुतला जलाने का है कार्यक्रम। और दादा चाचा की बनाई पूंजी है जो केंद्र सरकार बेच रही है। इंदिरा गांधी जयंती पर केंद्र पर बरसे छत्तीसगढ़ सीएम बघेल। नवरत्नों को बेचकर अपने पूंजीपति दोस्तों को उपकृत कर रही केंद्र सरकार। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया और उन्हें सिंधिया को राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद थे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के निवास पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेसी नेता से चर्चा की और उनके भाई के निधन पर शोक संवेदनाएं जताई। भोपाल दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमा भारती के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पहली बार राजधानी आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमा भारती से चर्चा की। ध्यान रहे, इससे पहले भी सिंधिया जब बीजेपी में आने के बाद भोपाल आए थे तो उन्होंने उमा भारती से मुलाकात की थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय कैलाश सारंग के मानवीय गुणों को याद किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में जाने से पहले वे संघ दफ्तर पहुंचे, जहां उनके साथ समर्थक मंत्री और पूर्व मंत्री मौजूद थे। इनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया और ओपीएस भदौरिया। करीब एक घंटे तक वे समिधा में मौजूद रहे। इसके बाद वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां स्वर्गीय कैलाश सारंग को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय कैलाश सारंग की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई वरिष्ठ नेता और संघ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कैलाश सारंग के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े कई अनुभव साझा किए। तो उस अस्वस्थता के दौर में भी, इस उम्र इस परिस्थिति में कैलाश सारंग जी का जो स्नेह मुझे एक अंतिम समय तक उनका जो मिला, वो लगातार उस स्थिति में रह करके भी कि तुम भारतीय जनता पार्टी के काम की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, तब इस मध्य प्रदेश के अंदर जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से चली है उसको और गति देकर के आगे बढ़ाना है।
यानी मुझे ये लगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज इस परिस्थिति में है, लेकिन उनको चिंता किस बात की है कि अपने भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में आगे कैसे बढ़ेगा। लोगों से नाम अभी लिए, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ लोगों ने देखा भी है, और नए लोगों को मैं ये कहूँगी, देखा भी नहीं होगा तो भी जो बताया जा रहा है उससे भी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना, ये बहुत सीखने लायक बात भी है। ये ऐसे एक स्तंभ थे सभी जितने भी नाम अभी लिए गए। मैं आपको बताऊं, मेरा तो महत भाग्य रहा कि करीब करीब इन सब लोगों के साथ काम किया, सारंग जी के संपर्क में रहा, उनका आशीर्वाद मिला, उनका आशीर्वाद मिलने के साथ साथ मार्गदर्शन भी मिला। मैं आज उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारंग जी के परिवार को, विश्वास सारंग जी, विवेक सारंग जी और पूरे परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। मुझे याद है जब मैं 77 में तब पीर गेट में ये कार्यालय था, तो उस समय अनूप सिंह जी मराबी हमारे पुरातत्व के मंत्री थे। तब मुझे पहली बार लाल सारंग जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे बहुत स्नेह मिला। आज यहाँ विश्वास जी हैं, हमेशा अगर जब मैं भोपाल आया तो ज़रूर मेरे पास या तो मैं उनको फ़ोन करता था या उनकी जानकारी में है तो मुझे फ़ोन करते थे फग्गन सिंह बैठना है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में शानदार जीत से भाजपा उत्साहित प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग राजधानी भोपाल में गुरुवार को आयोजित किया गया। इसमें 500 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ग में 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञों ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा, कार्य संस्कृति और अन्य आवश्यक जानकारी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री कुलस्ते सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद मंडल स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो 5 वर्ष संगठन के कार्य में अपने कार्यकर्ताओं को लगा के रखते हैं। और अभी लोग ये समझ रहे थे कि अब चुनाव खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब स्टेबल हो गई है, तब तीन वर्ष के लिए अब थोड़ा आराम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वो कोई ना कोई मूवमेंट अपना पार्टी लेवल पे चलाती रही, और ये प्रशिक्षण की भी अभी आवश्यकता इसलिए भी और ज़्यादा है। 2018 के रिजल्ट किसी भी कीमत में अब अगले किसी चुनाव में नहीं दोहराना है, तो 3 साल पहले से ही हम अपने अगले चुनाव की तैयारी करें। एक एक कार्यकर्ता को इस तरीके से प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि अगले चुनाव में कैसे निकालना है, और अब मध्य प्रदेश अमेक किला जो है इसको यथावत बना के रखें। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भोपाल में कहा, युवा पीढ़ी को पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने में इस प्रशिक्षण वर्ग से सहूलियत होगी। इसके अलावा सरकार की योजनाओं, पार्टी की रीति नीति से भी युवा सदस्य अवगत होंगे। उन्होंने कहा, अभी इस प्रशिक्षण में चुनाव संबंधी कोई एजेंडा नहीं है। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद सहित अन्य मुद्दों पर भी जानकारी दी। इस दौरान वे कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं चूके। मध्य प्रदेश की जो बैठक हुई है सभी मंडलों में एक निश्चित समय से 23 तारीख से लेकर के 15 तक सारे मंडलों में मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा होगा, और इसमें हमारे विचारधारा है, सरकार की योजनाएं हैं, हमारे राष्ट्रीय के बहुत सारे विषय हैं, हमारे सारे विषयों को लेकर के इन प्रशिक्षकों के अंदर चर्चा होती है। और जो नए लोग हैं, खासतौर से जो मंडल की हमारी कार्यकारिणी है, और उस मंडल कार्यकारिणी के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं, युवा हैं, उनको इस पूरी पार्टी की विचारधारा के बारे में जानकारी होना चाहिए, और हमारे जो विषय प्रवर्तक होते हैं वो उन पर बातचीत करते हैं, सीधे डायलॉग करते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था है। देखिए, सरकार के योजनाओं से संबंधित विचारधारा है, पार्टी के विस्तार के बारे में, ऐसे अलग अलग विषयों पर अलग अलग विषय प्रवर्तक होंगे, पर मोटे तौर से पार्टी के विस्तार के बारे में, पार्टी संगठन के बारे में
इसको और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, ये सारे विषय इस पे हम लोग बात करते हैं और यही हमारे विषय होते हैं। राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमपी और अन्य राज्यों के उपचुनाव के साथ बिहार में जीत को बीजेपी की नीतियों की विजय बताया है। उन्होंने कहा एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को उन्होंने जीत का आधार बताया, वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग को उन्होंने पार्टी की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। वहीं कांग्रेस में कपिल सिब्बल विवाद पर उन्होंने कहा कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए, वहीं उन्होंने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को सीएम का विशेषाधिकार बताया। इस बार में चुनाव हुए जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी विजय हासिल की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। नरेंद्र मोदी जो हमारे नेता हैं उनके प्रति जो अगाध विश्वास जनता का है उसकी जीत है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के यशस्वी नेतृत्व की जीत है। यहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतरित प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित, सिद्धांत आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है और इस बार जो प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो प्रमुख प्रशिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आज हुआ है। इसके बाद ये सारे के सारे लोग नीचे मंडल स्तर तक जाएंगे और मंडल के जो नए कार्यकर्ता मंडल की कार्य समिति में इस बार जुड़ रहे हैं उन सबको विचार की दृष्टि से प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ जब कपिल सिब्बल साहब ने कह ही दिया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। कांग्रेस को आत्मलोकन करना चाहिए, ये कांग्रेस के लोग ही अगर महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को समझ में आना चाहिए। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार करना, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, राज्य में मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। जब उनको उपयुक्त लगेगा तो वो सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक रघुराज कंसाना का गुस्सा उपचुनाव में मिली हार के बाद फूट पड़ा। रघुराज कंसाना का आरोप है कि मुरैना में बीजेपी के कार्यकर्ता ने तो काम किया लेकिन सेकंड लाइन की लीडरशिप ने धोखा दिया, इसी वजह से वो चुनाव हारे हैं। रघुराज कंसाना यही नहीं रुके, उन्होंने मुरैना जिले के नेताओं और मंडल स्तर के नेताओं पर भी आरोप लगाते हुए कंसाना ने यहां तक कह दिया कि इन नेताओं ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कंसाना का दावा है कि चुनाव हराने वाले सभी नेताओं के नाम पार्टी नेतृत्व को मालूम है, उम्मीद है ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी। चुनाव हार जाते तो कहीं ना कहीं कमी तो दिखती है और संगठन स्तर पर कमी थी या अपनी में कमी थी, ये तो मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को सब बता दिया है जो कमियां रही। कार्यकर्ताओं ने तो पूरी निष्ठा के साथ काम किया लेकिन कुछ लोगों को अपन पच नहीं रहे थे, जिन्हें वरिष्ठ लोग हैं इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी को मजबूती के लिए काम करेंगे, क्योंकि नए आए थे थोड़ा कार्यकर्ता को समझने में टाइम लगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे ही उन्होंने भाजपा का काम किया, कुछ ने कांग्रेस का काम किया, तो सब शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है। वो बता दिया ने वरिष्ठ नेतृत्व को बता दिया मैंने कि कौन लोग हैं जिन्होंने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है, वो सब मैंने बता दिया। जो क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके मनोबल और बढ़ेंगे, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता है वो मेहनत करता है, पार्टी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं जो अपने आप को वरिष्ठ समझते हैं वो लोग ही पार्टी के संग गद्दारी करेंगे, तो निश्चित रूप से अगर शीर्ष नेतृत्व तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो उनके मनोबल आने वाले समय में और बढ़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। We'll be right back.
अब आपके मोबाइल पर होगा आपका अपना चैनल DNN। एक क्लिक पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरें। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए डिजियाना मीडिया ग्रुप ऐप। मोबाइल पर लाइव देखिए अपना पसंदीदा चैनल DNN। अपराध को रोकना है तो सावधानी है जरूर, रहे अलर्ट, करे सतर्क। जुर्म और जराइम की दुनिया के ऐसे किस्से लेकर हाजिर है हम, जिसका सीधा वास्ता है आपसे। क्योंकि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, दबे पाओ आता है जुर्म, देता है दस्तक और बनाता है किसी को भी अपना शिकार, और फिर दर्ज होती है FIR। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर हरदा स्टेट हाईवे के ग्राम चापड़ा में तेज रफ्तार डंपर ने कार सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के समय वहां से गुजर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी गाड़ी रुकवाकर पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ लगा दी। उन्होंने घायलों को दुर्घटनाग्रस्त कार से उतारकर अपने काफिले में शामिल गाड़ियों से इलाज के लिए देवगुराड़िया में डॉक्टर रवि वर्मा के पास रवाना कर दिया। साथ ही डॉक्टर वर्मा से फोन कर बात कर समुचित इलाज के इंतजाम करने के लिए कहा। कमल पटेल ने इस रोड पर ओवरलोड दौड़ रहे डंपरों से हादसे की आशंका जताते हुए कुछ देर पहले ही चापड़ा में SP और कलेक्टर को सख्त कार्रवाई के निर्देशित किया था। इसके बाद वे जरा ही आगे बढ़े थे तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे के बाद उन्होंने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की और मौके पर मौजूद डंपर को जब्त करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने ओवरलोड तेज रफ्तार डंपरों के खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। मैं आज चापड़ा में एक कृषक उत्पादक समूह का शुभारंभ करने गया था, कार्यक्रम था, और वहाँ से जब लौटा तो मैंने TI को वहीं निर्देश दिए कि जो ओवरलोड डंपर देखते थे कि इनको पकड़ो और इनको राजसात करो, इनके मालिक के खिलाफ FIR कराओ। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिए और हमने भी निर्देश दिए हैं, और अगर पालन नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इससे दुर्घटनाएँ होती है, लोगों का रोडों पर चलना मुश्किल होता है। और आगे जाके मैंने देखा कि एक दुर्घटना मेरे सामने ही, डंपर ने एक गाड़ी को टक्कर मारी, उसमें दो बच्चियाँ महिलाएँ और व्यक्ति थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी माता जी। उनको हमने लेकर हमारे मित्र की गाड़ी में, साथी की गाड़ी में उनको इंदौर भिजवाया। वहाँ डॉक्टर रवि वर्मा का एनर्जी हॉस्पिटल है इंदौर के, पहले ही देवगुराड़िया में, और वो लोग दमोह के हैं। वो आए थे विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने आचार्य श्री के, मैंने भी आचार्य श्री को प्रणाम करके दर्शन किए। लेकिन ये ओवरलोड डंपर क्षमता से ज़्यादा मान करते हैं, रोड भी ख़राब करते हैं, लोगों को दुर्घटनाएं करते हैं। और आज मुझे पता लगा कि खाते गांव में भी एक दुर्घटना से एक व्यक्ति बहुत घायल हो गया, शायद उनकी भी जान चली गई है। तो इस प्रकार अवैध तरीके से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर घनश्याम दास मसानी का गुरुवार को दोपहर गोंदिया में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनकी शव यात्रा में स्थानीय जनों का भारी जनसैलाब उमड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके पुत्र अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुक्तिधाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम संस्कार के बाद गीता का मर्म उपस्थित परिजनों और रिश्तेदारों को समझाया। बता दें, मसानी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक और समाजसेवी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा को समर्पित किया। शरीर छर्मगुर है, नाशवान है, वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन शरीर के नहीं रहने के बाद भी व्यक्ति समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो केवल शरीर नहीं, अजर अमर आत्मा है। गीता जी हमेशा, गीता का वो श्लोक हम सब पढ़ते हैं, गाते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पापका, ना चेप खिले जनतापो, ना सोचति मारुता। उनको शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, ये वास्तविक स्वरूप है। उनका स्वरूप तो सच सत्य चित और आनंद स्वरूप था।
प्रभु ने उनको अपने चरणों में निश्चित तौर पर स्थान दिया है। फिर भी लौकिक रीति है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और अरुण हो, संजय, रेखा, कल्पना और साधना जो जीवन संगिनी है मेरी और दिन और रात मेरे ये पूजा पाठ तपश्चर्या सब करती रहती है, उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति शांति शांति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांची के लिए नरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की सीमा 200 दिन तक बढ़ाने को लेकर जानकारी ली। दिनों को 100 से 200 तक बढ़ाने को लेकर जानकारी ली गई। इसके साथ ही उन्होंने जनजातियों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, भर्ती अभियान चलाने और विशेष सड़क संपर्क परियोजना को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने यहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा जेल से आखिरकार 11 दिन के बाद इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा हुआ है। बाबा पर अवैध अधिक्रमण सहित अन्य मामले दर्ज थे, जिनमें जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो नहीं पाई। बाबा ने जेल से निकलने के बाद अपने वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल का धन्यवाद जताया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। रविंद्र छाबड़ा जी का धन्यवाद, भगवान ने सबको धन्यवाद, भगवान ने सत्य की जीत दी है। बाबा ये बताएं ये प्रकरण के बारे में सर, मैं कुछ नहीं। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के साथ अब अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू हो गई है। आज गोविंदपुरी मिलेनियम प्लाजा के आसपास क्षेत्र में निगम की जेसीबी ने अतिक्रमण को जमींदोज किया। सड़क किनारे खड़े हाथ ठेलों को भी निगम द्वारा जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कई स्थानों पर निगम के अमले और लोगों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली, तो नगर निगम के कर्मचारी फुटपाथियों की दुकान तोड़कर उनका सामान भर ले जाते हैं। ये अस्थाई अतिक्रमण है जो फुटपाथ पे लोगों ने रख ली है सामान, उसको अपन जब्त कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माना भी कर रहे हैं। अब ये आज चालू हुआ है और आयुक्त महोदय के आदेश से चालू है, अब जहाँ तक भी चलेगा चलाएंगे। अब तीनों सिटी में कर रहे हैं, काम करने वाले पे आरोप तो झूठे लगाए जाते हैं। ये तो आरोप लगाना तो बहुत सरल प्रक्रिया है, कुछ किसी पे भी लगा दो, हमारी भर के ले जाते उनको। वो तो हमारा काम है, फुटपाथ पे जब्त करेंगे और जुर्माने से छोड़ेंगे। निवाड़ी जिले के तिलेगा पर एमपीवी के मंदिर में एक अज्ञात बच्चा मिला। बताया जा रहा है कोई अज्ञात महिला बच्चे को मंदिर में छोड़कर फरार हो गई। वहीं जब स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो लोगों ने डायल 100 को फोन लगाया, जिसकी मदद से अज्ञात बच्चे को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी लाया गया। जिला जेल के अंदर सैंपल करने के लिए आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी से। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ये हाईवे पर भीड़ इकट्ठी थी। जैसे हम लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि एक महिला जो कि हरी साड़ी में थी और एक छोटे से बच्चे को जो 8 या 9 महीने का होगा उसको यहाँ मंदिर का चबूतरा बनाया गया है उस पर रख के और उसको छोड़ के चली गई है। इसको यहाँ से सूचित किया गया था, SDO ऑफिसर को भी सूचित किया गया है, SDM मैडम को भी सूचित किया गया है और तहसीलदार साहब को भी सूचित किया गया है, जिसके परिपालन में 100 डायल आके और उस बच्चे को ले गई है मेडिकल के लिए। पहले सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य निवाड़ी के लिए, वहाँ से मेडिकल होने के पश्चात उसको कहाँ ले जाना है उसकी कार्यवाही होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।